हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षेत्रीय महासभा के लोग पिछले 8 दिनों से शिमला में भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान सरकार ने इनकी मांगों की कोई सुध नहीं ली। अब महासभा आयोग के गठन की मांग को लेकर कल सचिवालय के बाहर महाधरना करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि वे पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि अब अपनी मांग को लेकर 20 अप्रैल को सचिवालय के बाहर महाधरने के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएंगे। सरकार जानती है कि कल का दिन 20 अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लिखा जाने वाला है, क्योंकि पहली बार हजारों लाखों की संख्या में इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर शिमला सचिवालय के बाहर एकत्रित होने वाला है। और जिस प्रकार हमने सरकार को पहले भी हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि 20 अप्रैल तक सरकार के पास कल सुबह तक का भी टाइम है, आज का भी टाइम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करें, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भी हुई हमारी मांग उठाने के बाद। लेकिन अगर कल तक माननीय मुख्यमंत्री इस हिमाचल प्रदेश की 70% स्वर्ण समाज की मांग को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का हजारों की संख्या में कल स्वर्ण समाज सचिवालय के बाहर होगा। मैं आप सभी लोगों को उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।